नगर विधि अनुसार इसकी पूजा की जाए तो सभी की कामनाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए शौच क्रिया इत्यादि से निवृत्त हो करके स्नान ध्यान करके भगवान शिव का जो लिंग स्वरूप है उनका पूजन अर्चन करके और सबसे पहले सद्यो जातम प्रपद्यामि मंत्र से आवाहन करें, ओम वामदेवाय नमः मंत्र से महेश्वर को आसन पर स्थापित करें, ईशान सर्व विद्यानां इस मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें, फिर अर्घपाद्य इत्यादि दे करके उनका जो भी पंचोपचार पूजन षोडशोपचार पूजन हम लोगों ने पूजा की विधि कल की कथा में श्रवण किए कि पांच प्रकार के पंचोपचार पूजा होता है, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य। षोडशोपचार पूजन में पहले आसन वंदन इत्यादि करते हुए अर्घपाद्य इत्यादि दे करके फिर जो पंचामृत अभिषेक करना चाहते हो तो दुग्ध दही घृत शहद बूरा इत्यादि से पंचामृत अभिषेक करते हैं करें। तत्पश्चात भगवान का प्रक्षालन करके और फिर वस्त्र इत्यादि धारण कराएं, गंध इत्यादि लगा करके अक्षत पुष्पमाला इत्यादि धारण करा करके धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारे, क्षमा प्रार्थना भगवान आशुतोष महादेव सदा सिद्धि करें। तत्पश्चात स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन का जो विधान है ये समस्त पापों को नष्ट करने वाला है भगवान शिव का पूजन। भगवान आशुतोष की पूजा समस्त पाप राशि को नाश करके आत्म सुख देने वाला है। फिर भगवान शिव के पुष्पों के द्वारा पूजा विधि बताई, कौन कौन से पुष्प हम भगवान शिव को अर्पित करें, जैसे धतूरे का है, ये धतूरे का पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय है, जैसे गुलाब पुष्प है, चंपा है, जूही
लूली है, चमेली है, मंदार है, कनेर है, इस प्रकार से भगवान को पुष्पों के द्वारा अर्चन वंदन करें। फिर भगवान नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कहे पितामह आपने बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को बताया, अब आप ये बताओ कि सृष्टि और उससे संबंधित लोगों के बारे में जानने की इच्छा है, कृपा करके आप ये मुझे बताइए कि ये सृष्टि कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम तुमसे बहुत प्रश्न पहले ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव का स्मरण किया, शिव कृपा की अनुभूति की, और नारद जी से कहा, नारद, भगवान विष्णु भगवान शिव के कृपा से उनकी स्तुति करके ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम को चले गए और वहीं पर निवास करने लगे। लेकिन आदेश था सृष्टि करो, ये भगवान शिव का आदेश था। तो उस आदेश का पालन करने के लिए शिव नाम का जप कर कठोर तप किया ब्रह्मा जी, तब वहां पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूं, जो तुम्हें वरदान मांगना है, वर मांगना मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु भगवान शंकर ने, शिव ने आपके हाथों में मुझे सौंप दिया, आपको मैं नमस्कार करता हूं, और आप कृपा करके इस विराट 24 तत्वों से बना हुआ अंड को चेतना प्रदान की, क्योंकि ये जो अंड था चेतनहीन जल में पड़ा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और उसी समय
उनके सहस्त्रों हाथ हो गए, सहस्त्रों मस्तक हो गए, सहस्त्रों नेत्र हो गए, सहस्त्रों भुजाएं हो गई, सहस्त्रों पैर हो गए, और अनंत रूप धारण करके भगवान विष्णु उस अंडे में प्रवेश कर गए और उसी अंडे में विराजमान रहे बहुत दिनों तक। तो वो वैराज्य पुरुष कहलाया, कभी भी जिसका नाश नहीं होता। और भगवान शिव ने कहा कि ये कैलाश अमर रहेगा, और उसी भगवान से तमोगुणी सृष्टि का उत्पत्ति हुआ। सृष्टि ब्रह्मा जी का देह, नारद उसी अंड से जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु इस विराट अंड को आप चेतना प्रदान करें, तो उसी चेतना अंड से सारा सृष्टि प्रारंभ हुआ। शब्द आदि पंचभूत, पंचकरण इत्यादि उत्पन्न हुए, इसी सृष्टि के अन्य पदार्थ इत्यादि उत्पन्न हुए, अपने नेत्र से मरीचि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उत्तान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, और क्रोध से तुमको। भगवान नारद को ब्रह्मा जी ने अपने गोद से उत्पन्न किया, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, इस प्रकार सृष्टि प्रारंभ। लेकिन जिसको उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, कहते सृष्टि करो, वो कहते हैं नहीं, अब तो मुझे सृष्टि नहीं करनी, मैं तो बाबा जी बन गया, मुझे सृष्टि से लेना देना नहीं, मेरे को कोई सृष्टि से लेना देना नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान, क्या करूं? जिसको भी उत्पन्न कर रहा हूं सब यही कह रहे हैं कि मुझे सृष्टि नहीं करना। और अगर कोई सृष्टि नहीं करेगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे? तब पुनः ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो।
Oh,
ब्रह्मा जी भगवान आशुरोशनी लोहित विश्वनाथ का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। तन्मय मन मनोयोग शंकर तेरे चरणों की भोले तेरे चरणों की जो Yeah.
तू सजा देना चाहे सब सजा दे देना, लेकिन नजरों से
शंकर इस तुम शाह मेरा दम ही निकल जाए बाबा मेरे अंदर अब कोई सामर्थ्य नहीं है। जिसे सृष्टि के लिए कहता हूं
कोई भी सृष्टि के लिए तैयार नहीं होता। अब आप ही उपाय बताओ क्या करना। तब वहां पर ब्रह्मा जी के सामने बोलो अर्धनागेश्वर भगवान की। भगवान अर्धनागेश्वर के रूप में आधा पार्वती का स्वरूप है, आधा शिव का। बाबा ने अर्धनागेश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तू चिंता क्यों करता, ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया ये रूप इसीलिए दिखाया है कि जिससे तुम्हें ज्ञान हो। भगवान अर्धनागेश्वर के रूप में दर्शन देकर के ब्रह्मा जी को कृतार्थ, और भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान मग्न हो गए। और जैसे ही ध्यान मग्न हुए शरीर का दो भाग हुआ, मनु और शस्त्र। एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट। जब दोनों प्रकट हुए हाथ जोड़ करके खड़े हुए, पिताजी क्या आज्ञा है। सृष्टि करो, यहीं से मैथुन्य सृष्टि प्रारंभ हो गया। मनुष्य कृपा से दो पुत्र और तीन पुत्री हुई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है मनुजी महाराज के उत्तानपाद, और दूसरा है प्रियव्रत। पुत्री देवहूति आकृति अप्रसूति, ये दो पुत्री हुई। आकृति आकृति रुचि ऋषि को विवाह दी, विवाह कर दिया गया।
देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दिया गया। और प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह कर दिया गया। आकुति से यज्ञ और दक्षिणा नाम का एक पुत्र और एक पुत्री हुई। प्रसूति से नौ कन्याओं का जन्म हुआ। और एक पुत्र भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं जो है श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टि पुष्टि मेधा क्रिया बुद्धि लज्जा और जो अंबिका है इस अंबिका का विवाह महादेव जी की आज्ञा से अंबिका का विवाह महादेव जी से कर दिया गया और उन्हीं के आज्ञा से कल्प भेद से आया है किसी प्रसूति और दक्ष से 60 कन्याओं का भी जन्म हुआ है। फिर भगवान सूत जी कहते हैं क्योंकि शनकादि ऋषियों ने सूत जी ने कहा है सोनक ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा नारद इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई पूरा ब्रह्मांड शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश हैं। निर्गुण सगुण वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। सूची कहते हैं हे ऋषियों इसके पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज भगवान शंकर कैलाश गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहां और कैसी हुई। तो कहते हैं कि एक बार कांपिल्य नगर में यज्ञ दत्त
दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। जो अत्यंत प्रसिद्ध थे, वे यज्ञ विद्या में बड़े निपुण थे और समस्त विद्याओं का भी ज्ञाता थे। उनका एक ही पुत्र था जिनका नाम था गुणनिधि। ओ बुरे व्यसनों में फंस गया। बुरे व्यसनों में फंसने के कारण घर में चोरी करता था, घर के समस्त सामग्री धीरे धीरे चुरा चुरा करके बेचता और जुआ इत्यादि खेलता था। गुणनिधि की माता अपने पुत्र के दोष को छिपाती थी। कभी पंडित जी कहते कि तुम्हारा पुत्र ऐसा कर रहा है, तो उसके दोष को छुपा लेते, जानते हुए भी वो अपने पुत्र के दोष को छुपा ले। एक रोज गुणनिधि एक अंगूठी जो पंडित जी लाए थे और अपनी पत्नी को रखने के लिए दिया था, उस अंगूठी को चुराए गुणनिधि ने, चुरा करके बाजार में बेच दिया। और वो जुआ में अंगूठी हार गई। जब पंडित जी उस दुकान पे गए और उस अंगूठी को देखा, तो अंगूठी को देख करके और घर आए और पत्नी से पूछे कि मैंने जो तुम्हें अंगूठी दिया था, अंगूठी कहां? वो अंगूठी कहां? अब उनकी पत्नी छुपाने लगी बात। पंडित जी ने कहा, तुम अपने पुत्र को बढ़ावा देती हो और अपने पुत्र की तुम दोष को छुपाती हो। पंडित जी ने पत्नी को भी और पुत्र को भी निकाल दिया, बाहर, घर से बाहर जाओ। जब तुम मेरा कहा हुआ नहीं मानती है, और अपने पुत्र के दोष को तू छुपाती है,
तब तुम घर में रहने लायक नहीं, जाओ दोनों माता और पुत्र दोनों जाओ। अब घर से निकाल दिया, अब वो मारे मारे भटक रहे, भूख प्यास से व्याकुल, क्या करे। कहां से अन्न खाने को मिले, तब उन्होंने चलते 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 एक मंदिर दिखा। शिवालय था, वहां पर गांव के लोग पूजा करने के लिए आए और पूजा कर रहे हैं। वो दोनों माता पिता मंदिर के बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे कि ये लोग कब जाएं और जो कुछ भी सामग्री चढ़ा है उसे हम लोग ले करके और कुछ खा ले, अपने क्षुधा को तृप्त करे, प्रतीक्षा रत है। उन्होंने जब गांव वाले पूजा करके भगवान शिव का निकले तो उन्होंने अंधेरा हो चुका था। अब मंदिर में प्रवेश किए तो कुछ दिखाई न दे कि कहां कौन सी सामग्री कहां रखा हुआ है। तो गुण निधि ने अपने वस्त्र को धार कर और प्रज्वलित किए, प्रकाश किए, प्रकाश किए और प्रकाश करके और प्रकाश करके जितने भी सामग्री थी भगवान शिव को चढ़े हुए सब सामग्री एकत्रित किए और एकत्रित करके उसे प्रसाद पाया